उत्तर प्रदेश के आगरा में पालतू कुत्ते ने मालकिन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, या फिर यूं कहें कि पालतू कुत्ते को खुला छोड़ना मालकिन को खासा भारी पड़ गया। पालतू कुत्ते ने अपने फ्लैट में जा रही पड़ोसी महिला पर हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला को जगह जगह काट खाया, महिला को लहूलहान कर डाला। महिला की चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर दौड़ आए, बमुश्किल महिला को खतरनाक हो चुके पालतू कुत्ते के जबड़े से छुड़ाया। पीड़ित महिला ने इस बात की शिकायत कुत्ते की मालकिन से की तो उन्होंने उल्टे गाली गलौज शुरू कर दी। मामला न्यू आगरा थाना क्षेत्र के कावेरी ग्रीन कैलाश बिहार अपार्टमेंट का है। अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 309 में पीड़ित महिला अंजलि रहती है। बगल वाले 308 नंबर फ्लैट में कुत्ते की मालकिन शानू बेरी अपने परिवार के साथ रहती है। थाने में दी गई तहरीर में पीड़िता अंजलि ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे वह अपने फ्लैट में जा रही थी, तभी पड़ोसी महिला का कुत्ता अचानक उनके पास पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उन्हें जगह जगह काट लिया। अंजलि का आरोप है कि जिस समय कुत्ते ने उन्हें काट खाया, कुत्ते की मालकिन सानू बेरी भी पास में खड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने कुत्ते को रोका नहीं। महिला ने बताया कि 23 फरवरी को भी सानू बेरी के कुत्ते ने काट खाया था, लेकिन तब उन्होंने थाने में शिकायत नहीं की थी, खुद ही अपना प्राइवेट इलाज करा लिया था। अंजलि का आरोप है कि सानू बेरी ने नगर निगम में अपने कुत्ते का पंजीकरण भी नहीं कराया है। पीड़ित महिला अंजलि की तहरीर पर पुलिस ने कुत्ते की मालकिन सानू बेरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये पूरा मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। रात दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट।